अगर ऐसे बोलना है कि तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है, तो आप कैसे बोलेंगे? वो टीचेस टीचेस यू हाँ, वो इंग्लिश टीचेस यू इंग्लिश हो जाएगा। ओके फाइन। ठीक चलिए एक और चीज पे हम काम करते गए, उसके बाद आज हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। ये है कि मैं बोलूँ कि सपना कहाँ रहती है, तो हम कैसे बोलेंगे? वेयर वेयर डज सपना सी लिव। सपना लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ प्लीज, सपना कहाँ रहती है? वेयर सपना ये तो लिव्स। अब क्या हो जाएगा? वेयर सपना लिव्स। तो अब वेयर सपना लिव्स। तो जितने भी नए बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो इसका विशेष ख्याल रखेंगे कि अगर आपने डब्ल्यू एच से पहले ये कुछ टुकड़े लगा दिए, मैं टुकड़ों की लिस्ट लिख देता हूँ, जैसे कि टेल मी या प्लीज लेट मी नो। ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉमा करके लिख देता हूँ, टेल मी हो गया, लेट मी नो, डोंट टेल मी, आई नो या आई डोंट नो, आई डोंट नो, डू यू नो, कैन यू टेल मी, इस तरीके से डैश डैश कर देता हूँ। इसके बाद अगर कोई डब्ल्यू एच आप लगाओगे, डब्ल्यू एच वर्ड, तो उसके डायरेक्ट बाद आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको देखना है कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। अगर है, मान लो कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज आर एम होता है, तो अगर होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। उसके बाद जो उसका मेन वर्ब होगा, वो मेन वर्ब लगाओगे, जिस भी फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये क्या हो जाते हैं, आप डब्ल्यू एच लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आई वी यू दे के साथ, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो कैसे हो जाता, सब्जेक्ट सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है कि वो कहाँ रहती है, तो हम अगर हम सिर्फ ऐसे सवाल करेंगे वो कहाँ रहती है, तो हम ऐसे बोलेंगे वेयर डस। भाई ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके वेयर डस शे लिव, वो कहाँ रहती है, तो हम आराम से इसमें डज लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऊपर में से कोई भी एक टुकड़ा लगा दूं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, आई डोंट नो, तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब देख लीजिए, सॉरी वेयर के बाद ये सब्जेक्ट लगाना है शी, और शी के बाद शी के साथ लगता है वर्ब में एस या ई एस, तो वेयर शी लिव्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पास्ट होता कि ऐसा होता कि व्हाट डिड ही ईट, किसी ने सवाल पूछा उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट, मुझे नहीं पता उसने क्या खाया, आई डोंट नो व्हाट। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो व्हाट व्हाट ही एट, ऐसे होगा। और अगर मैं किसी और टेंस में लूँ जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि वो क्यों रो रही है, व्हाई इज शी क्राइंग, मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है, आई डोंट नो व्हाई। अब शी आएगा, अब इज आएगा, शी इज क्राइंग, ये करेक्ट है। अच्छा, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बिना इस स्टाइल के नॉर्मल ही वो हेल्पिंग वर्ब इधर उधर कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई अगर हम कपड़े धो रहा है, तो आपने बोला वाई यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, मान लो आपने ऐसे बोल दिया, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी डब्ल्यू एच से पहले कुछ लगाया नहीं है। तो सही ये क्या होना चाहिए था, वाई आर यू वॉशिंग क्लोथ्स। वही आ रही हो वापस। हाँ, ये करेक्ट है, ये गलत है। अच्छा, ये ऊपर वाला सही कब होगा, जब इससे पहले कुछ लगेगा। जैसे मैं नहीं जानना चाहता तुम कपड़े क्यों धो रहे हो, आई डोंट वांट टू नो, व्हाई टू नो, यू आर, आई डोंट नो वांट टू व्हाई, नो व्हाई यू आर वॉशिंग क्लोथ्स। तो इसका आपको ख्याल रखना है। एनीवेज गाइस, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो व्हाट आई वांट, मुझे एटलीस्ट दो लोग चाहिए अभी के अभी। अब आपको फैसला करना है कि कौन है वो दो लोग।
जो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है सर मैं आई ठीक है तो मान लीजिए कि दो लोग हैं और ये दोनों फीमेल्स हैं अरे भाई लंबी लंबी सांसें मत लीजिए और बंद कर दीजिए ऑडियो बंद कर दीजिए क्या कर ऐसा ना करें आप लोग हाँ जी ये अभी जो बोला इनके साथ कौन आना चाहेगा नाम बताइए सर मैं ममता ममता एंड सर हर्षान हर्षान ओके तो ये बच्चा आपसे बात करेगा ममता 12 साल का बच्चा आज ममता से इंग्लिश में टॉक करेगा Somebody is coming. Let me allow. Fine. तो हमारा सीन क्या है कि हर्षान Yes, sir. You don't know anything about Mamta. So now you have to start from name and you can ask whatever you wish. Any question, it should be related to her daily life, daily activities, including do, does, or maybe is, are, and whatever. Just a kind of intro you have to take. You can't say, tell me something about yourself. ऐसा नहीं, एक-एक सवाल पूछना है और इनको जवाब देना है. So देखते हैं, 60 seconds का मैं time देता हूँ आपको. So 3, 2, 1, your time starts now. Harshan. What is your name? My name is Mamta. Where do you live? I live in Chandigarh. How old are you? I'm 35 years old. Do you go to park? Yes, I go to park. At what time do you go to park? I go to at 6 o'clock. With whom do you go to park? I alone go to park. At what time do you wake up? Get up at 7 a.m. Who prepares breakfast for you? सर अपने खुद का कैसे बोलेंगे तो अपने आप पे आई माई सेल्फ कर दीजिए आई माई सेल्फ मैं स्वयं ही बनाती हूँ आई माई सेल्फ कुक ब्रेकफास्ट आर यू मैरिड यस आई एम मैरिड Do you have any child? Yes, I have two kids. Do you like watching TV? Okay, done, yes. done. Time is over. Guys, okay. clap for Harshan. बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा है. Very good. And ममता ने सही जवाब दिया है. एक जगह ममता वो myself वाला ना अभी मैं थोड़ा सिखाता हूँ हम कैसे यूज करते हैं बाकी करेक्ट था देखिए गाइस कि जितने भी सेल्फ वाले होते हैं अगर हम माई के साथ लगा दें तो क्या बन जाएगा माई माई सेल्फ ओके योर के साथ लगा दें तो योर सेल्फ बन जाएगा ठीक है ओके और अगर वी के साथ लगा दें आवर सेल्फ तो हम ज्यादा है ना तो सेल्फ्स करना पड़ेगा ना ourselves करना पड़ेगा और अगर हम दे के साथ लगा दे themselves कैसे होगा themselves क्या होना चाहिए और अगर मैं ही के साथ लगा दूं himself और अगर हर के साथ लगा दें हर सेल और इट के साथ इट सेल्फ अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ पे आप गलत कर सकते हो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा अभी ग्रामर में जाओगे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में आपको नाम का टेंशन नहीं लेना है मान लीजिए कि एक लड़की है और वो कहती है कि मैं खाना खुद बनाती हूँ ये कह रही कि मैं खाना खुद बनाती हूँ मैं कपड़े खुद धोती हूँ अब ये करने के लिए
हम क्या बोलेंगे, जैसे इसने बोला कि आई और खाना पकाती है, तो आई कुक, और मान लो कि आपने गलती से बोला आई कुक और आपने फूड वूड कुछ नहीं बोला, सीधा बोला आई कुक माई सेल्फ, मान लो ऐसा आपने बोल दिया, तो इसका मतलब आपको पता चल ही गया होगा मैं खुद को पकाती हूँ जी। तो ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और खुश रहते हैं कि वाह क्या मैंने मस्त इंग्लिश बोली है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं पास्ट टेंस में एक सेंटेंस बोलूं कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो पता है इसका मतलब क्या हो गया, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। Myself की जगह पे on my own भी बोल सकते हैं। तो ये मैं माइनर एक मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ और रहा है। मुझे कहना है कि मैं खुद को नहीं पकाता हूँ, मैं खाना खुद से पकाता हूँ। तो अभी क्या होगा कि या तो आप ऐसे ऐसे अगर आपको फूड नहीं अगर बोलना है, सिर्फ कुक बोलना है, तो आप यहाँ पर बाय लगाकर सहारा ले सकते हैं, बाय myself, एक ये तरीका, I cook by myself, एक ये तरीका है। और अगर आप फूड बोल देते हैं कि I cook food, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप myself लगा सकते हैं, I cook food myself लगा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे बोलना है कि मैं स्वयं, तो आप I के बगल में भी लगा सकते हैं कि I myself wash clothes, ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं खुद ही कपड़े धोती हूँ या धोता हूँ, और नहीं तो I wash clothes my Self. ऐसे करके आप बोल सकते हैं। फाइन गाइस, दो लोग और चाहिए, फैसला कर लीजिए। यस सर, मी मैं सर आई, एक मिनट मैं देखो कॉल। चलिए यस आई एम, ठीक है मैं ऐसे उठाता हूँ, अनु एंड अनिकेत, पहले ए वाले को उठा लेता हूँ, जितने ए वाले हैं, तो अनु अनु क्या आंसर देंगे? सर मैं आंसर करूंगी। ओके ओके कोई बात। अच्छा जैसे हर्षान, कहाँ के बच्चा हर्षान, वेर आर यू? यस सर। हर्षान ने पूछा ममता से हाउ ओल्ड आर यू, अगर हम में से कोई पूछता तो उनका जवाब नहीं आता, बच्चे का इतना तो फायदा है, है ममता? यस सर, यस सर। बच्चे का फायदा है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, तुरंत अपनी एज बता दी, और मैं बता दूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन वैसी ही दे कि ज्यादा पब्लिकली ना चला जाए, ठीक है, आप झूठ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइन गाइस, सो अनु जवाब देंगी, अनिकेत यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। ओके अनिकेत, केम छो मजा। ओके देन, 3 2 1 एक्शन। व्हाट इज योर नेम अनु? What is your name, Anu? ये बेस्ट क्वेश्चन है। What is your name? क्या दोबारा कहना? Okay. How many members are there in your family? There is 5 member in my family along with me. There are. Do you go to park? No, I don't go to park. Why don't you go to park? Because there is no park. Okay. Do you have any child? No, I am not married. Okay, okay. Do you go to office? No, I don't go to office. Do you study? Yes, I study. Learn English. Where is your mother? My mother is downstairs. Where are you? Upstairs. I'm in the room. Okay. Done. 1 minute done. Okay. Okay. Now I want. देखते हैं A से कितने लोग हैं. Akash, are you there? Sir. Yes, sir. Arun, are you there? Arun. No, Arun is not there. So, Akash has to ask questions and Dinesh has to answer. Dinesh? Okay, sir. Okay. Your time starts now. 3, 2, 1, action. Sir,
What is your name? My name is Dinesh. Where do you live? I live in Delhi. How many members are there in your family? Members bolna padega. Members. There are 7 members in my family. Okay, where are you right now? I am in the room. Okay. Do you go to park? Yes, I go to park. At what time do you go to park? Around 6 o'clock in the morning I go to park. What do you do in the park? I take exercise in the park. Which type of exercise do you do in the park? I do yoga exercise in the park. Dinesh, do you go to office? Aap bhi puchho Dinesh. Okay. What do you do? I do study. But which subject do you study? I study science. Okay. How long you are? How long you are? I am 5'8". मतलब height पूछ रहा है। आपकी height क्या? यानी height क्या? What is your height? Normal पूछ सकते हैं। How tall? Okay. What is your height? I am 5'8". ठीक है आकाश, फिर आपका रिश्ता होने वाला है। Good one. Okay. Fair enough. 1 minute's done. So guys, अभी जो मैं बाकी लोगों को करा रहा हूँ, it is little आउट ऑफ द बॉक्स आई वुड से. ये एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इसको कहते हैं बेसिक रोल प्ले. एक छोटा सा मैं ड्रामा कराऊंगा ताकि आप सिचुएशनल इंग्लिश सीख पाए. ये ताता ताते ती और रहा रही इसे बाहर निकले. ओके, सो आई वॉन्ट जानवी गुप्ता, आर यू देयर? कैन यू डू दैट? No answer. Okay. So may I? Okay. May I? Harshan, wait a minute. I would like to give sir? Chance to those people who have not. Yes, sir. Janvi. Janvi, you're there. Okay. Neetu, are you there? Neetu. Yes, sir. Okay. Fine. So I'm just telling you what we are supposed to do. The thing is that Neetu is at her home, and Janvi is the guest. So Janvi will go to Neetu's house. She will knock the door, and Neetu has a servant, English speaking servant. Now Neetu has to ask servant to open the door. Servant has to open the door. He will ask some questions, like he will try to know who Janvi is and whom she wants to meet and all. Then sir, sir, excuse me sir, maine abhi aapki ye 2 class join ki hai, to ye abhi nahi kar paungi speaking itna. ठीक है, तो ममता, ममता कैन यू डू दिस रोल? आई ट्राई सर. ओके, सो नाउ हु वांट्स टू बी इंग्लिश स्पीकिंग रामू काका? मी सर. नो नो नो, नॉट यू. आई वांट अ गाय. आई वांट अ गाय. ओके, आई वांट अ गाय. सर मे आई? हर्षान, आर यू श्योर यू कैन डू दैट? यस सर. ओके ठीक है, then we are going to do. So we will do one first scene, Harshan. Like you are not being given a good salary, not good package is being given to you. So when scene starts, first you have to go to your मालकिन नीतु and you have to say कि मेरी सैलरी बढ़ाइए. ऐसा क्या है, सैलरी बढ़ाइए, मैं नौकरी छोड़ दूंगा. एक ऐसे थोड़ा सा करना है, सडनली एक वो रिंग बेल दबाया जाएगा. ये सीन है. Did you understand what I want? Yes, sir. Okay, so Neetu, are you there? Are you ready? Ready, Neetu? Okay, sir. Okay. Okay, so 3, 2, 1. जब मैं action बोलूँगा तो Neetu has to say कि हर्षान एक कप कॉफी लाओ. He will not bring coffee. He'll say कि मैडम पैसा तो बढ़ाओ ऐसे थोड़ी. Okay, 3, 2, 1, action. हर्षान, you go into the kitchen and make tea for me. Yes, I will surely do it. But first, I want a higher salary. No, I am not higher salary because I can't increase. Can't increase. I can't increase. But I won't increase salary because I need it for my savings. Okay, after a few months I increase your salary, but now I am not increase your salary. And Neetu, I am not increasing.
या तो आई एम नॉट इंक्रीजिंग ऐसे बोलिए, या आई विल नॉट डायरेक्ट मना कर सकती हैं। एंड यहाँ पर आई विल बोलिए, नॉट, थोड़ा यहाँ पर बोलिए कि ना तो तुम सही से बर्तन करते हो, ना तुम सही से कपड़े धोते हो, तुम कह रहे हो सैलरी बढ़ा दो, कुछ ऐसा अगेंस्ट। यू आर नॉट प्रॉपरली वॉश द डिशेज एंड यू आर नॉट प्रॉपरली मेक द डिशेज। गलत गलत, डोंट चाहिए, डोंट, यू डोंट, you don't wash the dishes properly and you don't wash the you don't make the food properly, or why do you say ki increase my salary? I do my level best and in my point of view you should increase my salary, but I don't like who makes food. So how increase your salary? How can I increase? ये फंस रहे आप लोग सिचुएशन। How can I increase your salary? But I need more money. But I cannot do this. Okay, now Mamta, ring the bell. Ting tong. Ting tong. Yeah. Neetu, ask him to open the door. Hassan, go and look. Who is at the door? Who is at the door? Sure, ma'am. Okay, ask. You have opened the door. Ask now. Who are you? My name is Mamta. I want to meet Neetu. She is there. Yes. Okay. Neetu, ma'am. Mamta is there on the door. At the door. Okay. Okay, okay. Just you say, come into the room and make the seat. No, 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 Neetu. Normal, like you can ask her to come inside and have a seat. As I said, ask her. Okay, you can ask her and come inside and have a seat. Okay, ma'am. Please come inside and you can have your seat. Okay, thank you. Sir, अब मैं बात करनी है आपको। Yeah, you go inside and talk to Neetu. Hi, Neetu, how are you? This there. Hello, Neetu, how are you? I'm okay. And how about you? I'm also fine. Thank you. How is your family? Everyone how is family? Okay. Nee, how is सही है नीतू? How is सही है? Okay, okay, then. How is your family? Everyone is okay. And how is your family? How do you do in days? In dinon ka kaise ho gaya? Neetu, jawab bhi dena hai. Unhone bhi pucha, how is your family? Jawab bhi dena hai. How is your family? My family is also good. Listener bhi banna padega. Okay, sir. Ab aap inko bithaiye aur chai coffee puchhiye jara. Mamta, sit on the couch and would you like tea or coffee? I like coffee. Harsan, go into the kitchen and make tea and yes, ma'am. Give tea for Mamta. Harsan, there is no milk available. Now go and say to Neetu. Okay. Ma'am, there is no milk available. Tumne you can say before. यहाँ पर ना should have बड़ा best रहेगा नीतु. Should have. You should have told me earlier. You should have told me there is no milk. Sorry, ma'am, I didn't know before. Didn't know. Okay. Right now, you go to the market and buy some milk. After that, you make tea and give tea for Mamta. Ask for money. Madam, paisa do na. Paisa for milk. Ma'am, please give me money so that I can bring the milk. Yeah. Okay, you have money? Mamta, do you have money? रहने तो यार क्यों इतना formality करो, छोड़ छोड़ रहने दो. Okay, it's okay, Neetu, no problem. We can talk. No. You should come to my home and I can do. I should do this. No problem. No need any formality. No, ऐसा नहीं है. No, not like that. Not like that. It's not like that.
जाओ जाओ हसन यू आर स्टैंडिंग देयर व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर यू कैन गो एंड बाय सम मील ओके मैम बट प्लीज गिव मी मनी सो दैट आई कैन लीव दे दो भाई नहीं तो पैसा तो देना पड़ेगा आई गिव यू मनी बट ओके ओके ये लो ओके टेक मनी you take money and go into in the market go to and the shop as soon as possible you come into come back you go to come the shop back. And come back quickly Harshan there is a shop which is run by a girl named Monitor go and take some milk Excuse me. Yes. Can I have 10 liter milk? Yes, of course. I give you. Monitor, ask about the like. Would you like to go for Mother Dairy, Amul, Sudha? Would you like to Mother Dairy, cow milk, which? Any will do. Sorry, please again. He's saying that you can give anything, any brand. Doesn't matter. Okay. Mother Dairy milk, you give. How much is it going to cost? 25 rupees. Okay, fine. Here you go. Okay, Hassan, you are come. You are come. का मतलब ही नहीं बनता ना या तो have लगाइए या खाली you came बोलिए अच्छा you have come yes ma'am yes ma'am I'm going to make the tea okay you make tea as soon as possible Now, Mamta, we have to say कि नीतू आपका घर बहुत अच्छा है और नीतू आपको अपना घर दिखाना है ये देखो मेरा बेडरूम ये है ड्राइंग रूम ऐसे Neetu, your house is very beautiful. Can you show me? Okay, okay. I saw you. Let's go and saw my room. See my room. My room. This is my room. Do you like my room? Yes, so nice. It is very beautiful. And this is my kitchen. And is it modular this is my kitchen? Bedroom? Yeah. Do you like modular kitchen? Modular kitchen. Modular. Okay, sir. Good. Do you like modular kitchen? Yeah, I like it. Okay, okay. So let's go on the terrace. Okay. Let's go. Okay. Look at this, so many flowers. Nice. Okay. Many different colors flowers. Hmm? I love flower. So that's why I planted. Are you gardening? Are you gardening? Yes, are you like gardening? Do you like gardening? Yes, I like gardening because I love flowers. So that's why I am gardening. Just interrupt them. Ma'am, tea is ready. Would you like to have something with it? Yeah. Mamta? Let's go and take tea. Okay. And I'll sit on the couch and take tea. Okay, thank you. Mamta, tarif kijiye bacche ki. You take. You also take tea. बहुत अच्छी चाय बनी है तारीफ कीजिए. No. I'm also take tea. So that's right now you take tea only. Tea is very nice, no? Thank you, ma'am. Very sweet. Your servant is very good.
Thank you, ma'am. But sometimes he not work properly. Doesn't Neetu? Doesn't. He doesn't work please properly. Please tell Neetu increase the salary of his of her servant. Yes. How much? How much aayega money ke liye? How much money do you pay? Do he? I pay. Does he pay? No. Sahi hai. Neetu sir. Do you pay? Sahi. Correct hai. Okay. How much money do you pay? I pay 10,000 money in a month. 10,000 rupees per month. Yeah. So very less salary, na? You should increase. I think I should increase, but nowadays I am not increasing his money. After few months, I increase her money. Okay, Why are you increasing? Why are you not? Okay. Anyways, Mamta boli ki mujhe deri ho rahi hai, mujhe chalna chahiye. Okay, I am getting late, so I should come now. Go. I need to go. I have to go. I need to go. Okay, nice to meet you, Neetu. Thank you, Naya. Okay. Thank you. You and come again. Meet you again. Come again. Nice to meet you again. Okay. Thank you. Okay, lovely guys. Clap for them. Super. Now let me tell you guys. से अभी 12 मिनट मैंने प्रोग्राम कराया, 12 मिनट आपको इंग्लिश माहौल में जब रहना पड़ा तो इधर से उधर जुबान फिसल रहा था, तो सोचिए। यस सर। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश में घर में बात करते होंगे, शायद ही कुछ लोग होंगे। यस यस सर, बहुत अच्छा एपिसोड। इसी वजह से बट हमने बहुत एंजॉय किया सर। या हम ऐसे ही करना चाहेंगे। तो अब क्या होगा ना कि घर में भी थोड़ा सा माहौल बनाइए। और हर्षान आप बहुत अच्छा बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सर। हाँ, हर्षान की, हर्षान फर्स्ट डे है, हर्षान वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, नो हेजिटेशन, नो कुछ। हाँ देखिए, बच्चों को बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है, और सीखिए, छोटा बच्चा है, पहली बार मैंने किसी बच्चे का एडमिशन लिया है। ओके, या सी सो यंगर, ही सो यंगर। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, प्रियंका रेडी? यस सर। एंड श्रद्धा, कैन यू डू दैट? श्रद्धा सर, ओके सर। नहीं, जहां से ऑडियो खराब है फिर नहीं करना है, ऑडियो सही है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम है सर, मैं ट्रैवलिंग में हूं, जस्ट आई एम लिसनिंग नाउ। ठीक है, लिसन लिसन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नैरेट व्हाट द सीन इज। आयशा, कैन यू डू? आयशा, आर यू देयर? आयशा सॉरी सर, मैं अभी नहीं कर सकती। ओके सो सर मैं, ओके अनु, ठीक है अनु करेंगी। फाइन, सीन कुछ ऐसा है, लेट मी टेल यू, एक्चुअली प्रियंका हैज टू बाय समथिंग। ओके प्रियंका। ओके सर। सो यू हैव टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, योर फ्रेंड इज अनु, एंड देन अलोंग विद अनु यू हैव टू गो टू अ शोरूम एंड बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय। ओके, एनी ड्रेस, ज्वेलरी, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, so we want one salesperson also, can anyone play the character of a salesperson? Yes sir. Guys, at least subscribe, jin logon ne bilkul nahi bola hai unme se koi please aage aaiye taki mauka sabko mile, jaise kisne nahi bola, lucky ne nahi bola hai? Yes sir. Lucky tusi ban sakde ho, ki gal hai, bano ji? Yes sir, I can try. Okay, chalo, to lucky is the salesperson. And monitor, are you there? Yes sir. Now you are another Ramu Kaka, okay monitor? Okay sir. Fine. So किसके घर में आप servant हो, किसके घर में? क्या नाम था? अनु के घर में, अनु। Okay, चलिए, so let's get started. What I want that Priyanka has made a call, phone is ringing. Anu, your phone is ringing. Your phone is somewhere else. Sir. You just have to ask your maid to give you the phone. Then you will start talking to Priyanka. Priyanka has to say that, you know, I want to buy something. So, can you go with me? आप बोलोगे कि ठीक है मेरे घर आ जा। इतना बोलना है, फोन काटना है, ठीक है? So, 3, 2, 1, action. Phone is ringing. Tring, tring. Hello. अरे नहीं, हेलो नहीं बोलना है, हेलो नहीं बोलना है। हेलो रामू काका, give me my phone. Yes, yes.
ओके मैम आई गिव यू योर फोन मैम प्लीज टेक हेलो हेलो थैंक यू हेलो हाउ आर यू क्या नाम है प्रियंका हर नेम इज प्रियंका हाउ आर यू प्रियंका आई एम गुड अनु हाउ आर यू आई एम आल्सो गुड आई एम गोइंग टू किसको जाना था मार्केट में मुझे प्रियंका Actually, I want to ask you a favor. Ask, can you ask me? I want to buy something. Can you go with me? Okay, I will go with you. When are you free? I'm free now. So, can I come at your house now? Yes, you can come to my house. Okay, so I'm coming. Okay, I'm waiting. Sir, आप क्या बोल रहे अब फोन रखिए now go to her house and knock the door. Okay. Tring tring. Tring tring. Knock knock. Is there a Yes, ma'am. Okay, ma'am, I go. I am going. Oh, okay. Who are you? I am Priyanka, Anu's friend. Is she at home? Yes, she is there. Please call her. Please say her that Priyanka has come. Say to her. Please say to her that Priyanka has come. Ma'am, Priyanka is coming. Coming is galat na. Priyanka has come. Bolo. Okay, ma'am, Priyanka has come. Okay, say to him to inside. Her. Say to her to come inside. Okay. Ma'am, please come here. Come inside. Okay, thank you. Ma'am, please come inside. Hi, Anu. Hello, Priyanka. How are you? I'm good. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Would you like some coffee, tea, a drink? Yeah, I would like some tea. Okay. With biscuits. Okay. Go and make tea. And okay, ma'am, I'm going. Monitor, पूछो कि कितना चीनी चाहिए प्रियंका? एक चम्मच, दो चम्मच? पूछो चाय में. How much sugar do you want? How much sugar do you want? Only one spoon. Okay. अब बातें करो. अनु पूछो कि क्या खरीदना है यार? किधर जाना है? क्या खरीदना? पूछो कुछ. प्रियंका, what do you like to purchase? I want to buy a purse and some dresses. Okay. आगे क्या बोलना है? Do you also have to buy something? Yeah, I also want to buy. What do you want to buy? I want to buy some clothes. Yeah. Okay. ठीक है, चलो मॉनिटर चाय दो बेटा. Ma'am, your tea is ready. Thank you. Okay, now. And where are the biscuits? This is she's the first guest. Okay, now both of you should go now. Go to the showroom. Okay. You two, let's go to market. Let's go. Okay, so showroom. Lucky is the sales person. Hello, ma'am. Hi. Good evening. Hello, sir. Hello. Good evening. What would you like, ma'am? I would like to see a purse. Would you like a purse, ladies purse? Yes, sir. Okay. I will show now. This is new purse. Do you like it? Actually, I want in black color. Black color. Okay. I will check now. Okay, this is black color, only one left. Only one left?
but this is not the jet black color, na? Yes, it is jet black color. Okay, so what is the price range? It is 2000. 2000? It's very costly. Yes, it is costly because his leather is... can you... Hmm? Yes. Mm-hmm. Yes, it is a very beautiful purse. Do you know? Yeah, that, it's beautiful, but it's so expensive, na? Yes, it is expensive. रेंज पूछो लकी, बजट पूछो इनका, रेंज पूछो. How much do you like like a range? I want to spend only 1000 rupees. 1000. Okay, I will check now. Just wait. Okay, this one black color, this is fox leather. Do you like it? Actually the color is good, but the material quality is not good according to the price. Oh, actually I don't tell price now. This one. Nee, actually I said you na ki hindi nikal rahi hai. Lekin maine price bhi bataya nahi na iska. But she figured out that it could be really, I mean within 100, I mean 1000 rupees. I told you na, I want the purse in my budget, and my budget is 1000 rupees. I told you earlier. Yes, it is this one price 1000. Priyanka, let's go to another shop. Yes, Anu. We should go to another shop. He doesn't have anything good in in good price. No, I have I have more purse. Which do you like? Which type? You're do you not like showing now. You're not showing. But yes, I am showing now. Just wait. This one, all new stock available here. Do you like pink color, baby pink color? 1000 range. Mostly, you know, mostly girls like pink color, baby pink color. If you have the latest stock, then why were you not showing this earlier? Yes, you asked me only 1000 range, so I show you. All purse around 1000 price. Okay, Anu. I'm done shopping. I don't want to shop anything now. So I'll go, we will go for your shopping. Okay, okay, but I want to buy some clothes. Can you help me? Yes, I can help you. Sir, वो बोल रहे हैं ना, आपको क्या चाहिए? Yes, lucky, ask what do you want, ma'am? Ask what do you want, ma'am? I want to buy some dresses like Sharara. Okay. Have a seat, ma'am. I will show now. Okay. This is do you like Sharara? This one is best quality. I want to buy pink color sarara. Pink color, okay, ma'am. Quality is good. Quality good honi chahiye, matlab sir. Should be good. Should be good. Quality. Okay, ma'am. I will give you now. Okay. Okay. Do you like it? This one. Sharara pink color. No, I don't like it. Okay. Time is up. Okay. Fine, guys. Fine. So, there are so many people who haven't spoken today.
सर मेरी गलती क्या क्या थी सर? मिस्टेक्स सर, ये जो रेंज क्या रहा है कुछ ना, व्हाट इज योर रेंज? हां पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, आप लोग खुद ही करेक्ट कर रहे थे खुद को। सर जैसे ये बोल रहे थे आई विल शो यू, तो आई विल शो होगा या आई शो यू होगा? अब यहाँ पर जैसे लकी ने बोला कि आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये थोड़ा फ्यूचर की तरफ चला जाता है, बट एट प्रेजेंट हमें ऐसा बोलना चाहिए कि ओके आई एम गोना शो यू, लेट मी शो यू। तो सर मेरे पास भी एक हेल्पर होना चाहिए था ना, जिसको मैं आगे बोल सकूं। ठीक है, तो कल से हेल्पर ले आएंगे। फाइन गाइस, चलिए देखिए हम क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या हम प्रैक्टिस करेंगे। इट वॉज गुड, ये जो मैंने आपको कराया ये था कि सिचुएशनल इंग्लिश है, रियल लाइफ में ऐसे इंग्लिश बोली जाती है, तो ये बहुत जरूरी है रोल प्ले। सर मेरा एक डाउट है। पूछिए सर, एकदम से मतलब निकलता नहीं इंग्लिश में, क्या देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सिचुएशंस है वो टोटल 12 है, 12 में से अभी आप पहले सिचुएशन पर हो, लेकिन आज जो आपने जितने लोगों ने अभी चेंज वो क्या अभी जो रोल प्ले किया है, आपने नोटिस किया कि इसमें बहुत कुछ आ रहा था, सिर्फ एक ही सिचुएशन नहीं था। yes, सब कुछ मिक्स था, तो यानी कि इंसान एक ही के भरोसे नहीं रह सकता, आपको स्टेट ऑफ बीइंग भी आना चाहिए। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि इसका प्राइस क्या है, कितने का है। तो जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको हर रोज ये प्रैक्टिस करनी होगी, हर रोज। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग की प्रैक्टिस में हम क्या क्या जान सकते हैं, हम बस इतना ही जान सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, किधर है, इसकी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके बाद एक और प्रैक्टिस चल रहा था यहाँ पर जो हमने नहीं किया, इसको बोलते हैं ऑर्डर रिक्वेस्ट। जैसे कि भैया वो दिखाना, ये मत दिखाओ, वहाँ चले जाओ, या रामू जाओ बाजार, इसको ऑर्डर रिक्वेस्ट कहते हैं। इसकी ज़रूरत भी पड़ी, कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि कुछ लोग शुड भी लगा रहे थे, कहीं कहीं पर हैव टू की जरूरत भी पड़ रही थी। तो ये तो हम चलो बाद में सीखेंगे, तो ये रोल प्ले से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को जब एक टेस्ट करूंगा, जब तक आप अच्छे नहीं हो जाओगे तो मैं एक एक चीज का टेस्ट करूंगा। तो मैं कुछ लिस्ट लिख रहा हूँ जिसमें आपको परफेक्ट होना है। नंबर वन, इसके अंदर आपको सुनाना है अपना सेल्फ डेली रूटीन। इंट्रोडक्शन तो रटा हुआ कोई भी सुना देगा, सेल्फ डेली रूटीन आप जब सुनाओगे तो जैसे आप सुनाओगे लोग आप पर अटैक करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस, आपके जो आप कहोगे उसी के बारे में, पहले आपका सुनेंगे रूटीन, सवाल करेंगे, जैसे वो सवाल करेंगे आपको तुरंत उसका देना है जवाब, यानी कि आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन की डेली रूटीन, ये आपका रियल भी हो सकता है फैमिली मेंबर या फेक भी हो सकता है। उसके बाद भी ऐसे ही होगा, लोग आपसे सवाल करेंगे और आपको देना होगा जवाब, आंसर देना होगा। तो इसमें आपका जो सिचुएशन वन है बस यही होता है, सिचुएशन वन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बीच बीच में आप स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन वन में जितनी इंग्लिश चाहिए उतना आपको आता है। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं बोला है, जैसे श्रद्धा ने नहीं बोला है, और जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उनसे ही ये कराया जाएगा सबसे पहले। बाकी जिन लोगों ने रोल प्ले किया, जैसे नीतू में थोड़ी गलतियां हो रही थी ऑन द स्पॉट, तो ये लगा कि उन्हें पता है बट वो निकल नहीं रहा था, वो अचानक गलत हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई आपने ज़्यादा बोला नहीं है। तो मैं ये करने के बाद मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, लिस्ट ऑफ रोल प्ले, और मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा कि एक रोल प्ले होगा, तो आप ना एक पार्टनर चुनेंगे, या मैं ही नाम बता दूंगा कि ये दो लोग ये तीन लोग करेंगे, और आप पहले एक दूसरे को कॉल करके या गूगल मीट का लिंक भेजकर प्रैक्टिस करके एक बार रिहर्सल कर सकते हैं, और फिर मैं ऑन द स्पॉट चेक करके फीडबैक दूंगा सही है कि गलत। सहमत है? यस सर। यस सर। तो ये मैं करूंगा। यस सर। जी। यस सर। फाइन। और कल एक्चुअली टुमारो आई हैव टू गो समवेयर, तो पता नहीं अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो आप में से किसी एक को लिंक भेजना होगा और आप प्रैक्टिस अपनी चालू करेंगे। तो कोई एक बता दीजिए जो जिम्मेदारी संभाल सके। इज देयर एनी सर? आई कैन सेंड द लिंक। यू कैन सेंड द लिंक? यस सर। ठीक है गाइस, तो
चलिए मैं कुछ रोल प्ले अभी ही लिख देता हूँ और अभी ही मैं तय कर लेते हैं, बिकॉज टुमारो एक्चुअली मुझे आने में कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा मुझे लग रहा है। टुमारो आई हैव वन लाइक इंटरव्यू टाइप ऑफ थिंग। चलिए सो लिस्ट में लिखता हूँ, एक हम करेंगे वेलकमिंग गेस्ट, जो अभी हमने किया था जो सबसे पहला था वैसे ही वेलकमिंग गेस्ट है, मेहमान का स्वागत करना है। अब आप उनको घर दिखाओ या आप उनको डिनर पे बुलाओ ये आपके ऊपर होगा, बस आपके घर में एक मेहमान आना चाहिए। आप चाहो तो अपने घर में एक सर्वेंट भी रख सकते हो, तो सर्वेंट रखोगे तो तीन लोग हो जाएंगे, और आप चाहो तो आप उन मेहमान को बुला के अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराओगे तो आप एक दो फैमिली मेम्बर्स भी रख सकते हो। पहला सीन ये है। सेकेंड हमारा होगा इनवाइटिंग योर फ्रेंड ऑन योर बर्थडे बैश, बर्थडे पार्टी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है। ये रोल प्ले होगा फुल, आपको फ्रेंड के घर जाना है और वहाँ चाय कॉफी पीना है और इनवाइट करके फिर चले आना है। फिर वो फ्रेंड जाएगा किसी दुकान पे गिफ्ट खरीदेगा, फिर बर्थडे पार्टी, फुल एक ड्रामा चाहिए। तो दो तीन लोग तो ऑफ कोर्स चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है बाइंग अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना है। एक मिनट, जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे तो या तो आप अकेले जाएंगे या दोस्त के साथ जाएंगे। आप रेफ्रिजरेटर खरीद के लाएंगे, ला करके अपने एक दो दोस्तों को पार्टी देंगे, मान लो कि पहली बार आपके घर में फ्रिज आया और अचानक वो रेफ्रिजरेटर चलना बंद हो जाएगा, फिर आप एक कॉल करेंगे उस दुकान में, वहां से एक बंदा आएगा फिक्स करेगा। तो इतने सारे कैरेक्टर चाहिए, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एक बार डिसाइड करना कौन किसके साथ प्रैक्टिस करेगा। नेक्स्ट आपका बाइंग अ कार फ्रॉम अ शोरूम, किसी भी शोरूम से आपको कार खरीदना है। ये है। सेकंड है कि सपोज आपका, मैं लिख देता हूँ कि योर चाइल्ड इज फोर्सिंग यू टू गेट हिम एनरोल्ड इन अ कराटे क्लास। एक आप माँ है और आपका एक बच्चा है, वो बच्चा आपसे कहता है मम्मा मम्मा मुझे कराटे सीखना है, और आप ले जाते हो कराटे सिखाने के लिए, पहले आप मना करते हो, अगेंस्ट में रहते हो, ये सब ड्रामा करना है। पांच हो गया। नंबर सिक्स देखते हैं, योर डॉटर वांट्स टू लर्न डांस, आपकी बेटियां है जो डांस सीखना चाहती, पहले आप अगेंस्ट होते हो फिर बाद में आप उसका एडमिशन कराते हो, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन है। नेक्स्ट है योर लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर, गो एंड गेट इट फिक्स्ड, लैपटॉप खराब है आपको जाना है इसको फिक्स करवाना है, उसमें कितनी अंग्रेजी चाहिए वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट है ओके जो नंबर एट है ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसमें जो लोग, ये थोड़ा टफ है, दिखाता हूँ। हस्बैंड इज अगेंस्ट हिज वाइफ्स जॉब, हस्बैंड नहीं चाहता है कि वाइफ जॉब करे, तो इस पर एक फुल ड्रामा चाहिए, तो ये करना है। दो और कर लेते हैं, दस हो जाएंगे। ओके एक है टॉकिंग टू अ प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर से आपको बात करनी है, या तो फ्लैट खरीदना है या आपको किराए पे लेना है। नंबर टेन है दैट, ये भी थोड़ा सा डेंजरस है, डॉटर हु वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस
leaves her home and goes to Mumbai. कहानी क्या है मैं बता दूंगा, फिलहाल तो ये टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, 10 टॉपिक्स है, ये फाइल में भेज ही देता हूँ आपको, तो आप ये फैसला करना, आप मुझे नाम लिख के भेजना कि कौन कौन किस टॉपिक के लिए जाना चाहेगा, तो मैं फिर बताऊंगा कि करना क्या है, कितने हमें आर्टिस्ट की जरूरत है, कैसे हम इसको प्ले करेंगे, और मैं आपको एक एक फीडबैक दूंगा कि ये गलत है, मैं ना कॉपी लेके बैठूंगा कि अच्छा इस सिचुएशन पे ये अंग्रेजी होनी चाहिए थी जो गलत हो गया, मैं टोकूंगा नहीं, आपको बोलने दूंगा, लिख लूंगा मैं, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा यार अब आगे से हम ये करेंगे. गॉट इट, समझ गए? बारह सिचुएशन मैंने वादा किया है, अभी मैं सिचुएशन वन पे हूं, लेकिन जब आप रोल प्ले करेंगे तो आपको पता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आपको जितनी अंग्रेजी आती होगी आप अपनी तरफ से डालना, मैं देख लूंगा कि क्या गलत था क्या सही था और मैं आपकी हेल्प करूंगा. ओके ठीक है, तो मैं ये भेज देता हूँ, फिलहाल मुझे लेट हो गया, मुझे जाना होगा. सो कल अगर मुझे लेट हुआ तो हर्षान ने बोला है कि ही विल सेंड द लिंक, तो कल आप लोग रिहर्सल कर सकते हैं, अगर मैं आ गया तो ठीक है. ओके चले गाइस. ओके थैंक यू सर. टेक केयर. बाय गाइस. टेक केयर. बाय.